वहाँ की रिहायशी हैं। जैसे ही हमारा जो बंद है छनन, उसको जब उन्होंने गारा दिया है, तो कम से कम गवर्नमेंट को चाहिए था कि भाई हमें थोड़ा सा बता दो, हमें मौका दे दो। मैं खुद, मेरे पास गाड़ी है, लोडर गाड़ी है, लेकिन इतने लोग मजबूर थे, उनके पास ज़रा भी पैसे नहीं थे। उन्होंने मुझे बोला कि भाई आप इस तरह करें कि हमारे ट्रपर जो है बच्चे बाहर निकाल दें। उन्होंने कुछ भी नहीं उठाया। यहाँ से आप देख सकते हैं किसी के पास कुछ भी नहीं है, रोशनी नहीं है, लाइट नहीं है, वाशरूमों को सफाई नहीं है, पानी पीने का नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप मुझे बता दो पेट्रोल कितना महंगा है। मैं जो गाड़ी चलाऊंगा, मेरे पास पेट्रोल तो होना चाहिए ना, कम से कम कोई घर का बड़ा होना चाहिए था कि भैया हम आपको पेट्रोल दे रहे हैं, आप कम से कम इनके बच्चे निकाल दो। मैं बच्चे भी नहीं निकाल पाया, मैं अपने निकाल दूं या इन गरीबों का निकाल दूं। तो हम हुकूमत से ये अपील करते हैं, अल्लाह हुकुमरान ये जो किसी का पहुँच सकता है कि इन गरीबों का मदद करें, हमारा भी मदद करें। अब 10 दिन हो गए मेरी गाड़ी बंद है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ, किसको बोलूँ? अब मैं किसी से मैंने किराया नहीं लिया, मैंने किसको बोल दूँ? जिसके पास जाता हूँ वो कहते हैं भैया हमारे पास पैसे नहीं है, हम आपको कहाँ से देंगे? अब तुम मुझे बताओ, किसी की गाड़ी है मेरे पास, मैं कहाँ से जाके ले लूँ? मालिक मुझे फ़ोन करते हैं कि भाई कम से कम आप पैसे मुझे दे दें, आप पैसे नहीं दे रहे हैं। तो मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए। आप किसी से पूछ सकते हैं, सबके बच्चे मैंने निकाले हैं बाहर, मैंने अपने बच्चे छोड़ के गरीबों को बच्चे निकाल दिए हैं कि मैंने जो मेरे से हो सका मैंने कर दिया है। और बाकी जो हुक्मरान हैं उनको अपील है कि भाई खुदा रहा इनको ठंडी जगह दिया जाए, इनको बैठने के लिए सुकून दिया जाए, कोई चाहे पीने की साफ पानी दिया जाए। तो हम किसी, कोई भी नहीं आया, कोई पूछने के लिए नहीं आया, क्यों नहीं आया? चावल ऐसे आ रहे, यकीन करोगे, खाने सुबह शाम चावल आ रहे हैं, किसी काम के नहीं है, उसमें नहीं जायका है, नहीं कुछ है। जो भी खा रहे हैं बार बार उल्टियां कर रहे हैं, उनको दस्त हो रहे हैं, उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। तो वो ज्यादा बेहतर उनकी जिंदगी नहीं है अभी से जो है, जैसे पहले उनकी जिंदगी थी उससे बेहतर अभी तो जिंदगी और बिगड़ गई है उनकी। एक एक बंदे से आप पूछ लेंगे कि उनकी तबीयत, बच्चों की तकरीबन यहाँ बच्चे बीमार हैं, किसी से भी आप पूछ लो, यहाँ आप लेटरिन देख लो, यहाँ का पानी देख लो, यहीं का कोई भी आप जगह देख लो, कोई साफ नहीं है। हमारे पास सिर्फ बैठने की जगह दी हुई है, बाकी कुछ भी नहीं है हमारे पास, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। आप मेरी गाड़ी देख सकते हैं, मेरे बच्चे देख सकते हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कहते हैं बाबा हमें ये चीज़ चाहिए, हमें वो चीज़ चाहिए। मैं कहाँ से लाऊँ यार, आप किसको बोल दूँ? मैं तो गुदगुजी करने के लिए तैयार हूँ। मैं तो ये कहता हूँ, सबको यही कहता हूँ कि भाई आप मुझे पेट्रोल जरा दे दें, मैं खुद को आग लगा दूँ। अब मैं क्या कर सकता हूँ, किसको बोल दूँ भाई कि मुझे किराया दो, गाड़ी किसी और की है, मैं खुद ड्राइवर हूँ भाई। मैं अभी वापसी भी जाना है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, तंबू नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है यार। अब प्लीज़ यार।